नमस्कारम। आज बात करेंगे पेठे के बारे में, पेठे की सब्जी, पेठे का फल, उसके बारे में। आप कई लोग सोच रहे होंगे ये कौन से फल की बात कर रहे हैं, जो आगरे का मशहूर पेठा रहता है, जिसको मिठाई भी बनाते हैं हलवाई लोग, ये उसी पेठे की बात चल रही है। दरअसल इसको मिठाई के तौर पे भी लोग खाते हैं, सब्जी के तौर पे भी खाते हैं, या उसका रस भी पीते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करें जरा कि परमात्मा ने ये चीज़ बनाई है, इसमें क्या गुण है, किस काम आती है। पेठे को संस्कृत में वृहत फल कहते हैं, बड़ा फल, और वृहत का मतलब होता है बड़ा। और भी कई नाम है संस्कृत में इसके, और भी कई लैंग्वेजेस में अलग अलग इसके नाम हैं। बात यह है इसकी तासीर क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज़ आपके हाथ में आए या आपके दिमाग में आए, आपको उसकी पहले तासीर देखनी पड़ती है। तासीर इसकी है, जो कच्चा पेठा है वो ठंडा है, शीतल है, कूल है, और जैसे जैसे ये पकता है धूप में रह करके, या यूं भी ऐसे पक रहा है अगर, तो तैयार हो रहा है धीरे धीरे हीट से एक टाइम पीरियड में, तो जितना ये पकता जाएगा उतना ये कम ठंडा होता जाता है। और जब ये पक के पूरा तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते थे राइप हो गया, जैसे पक गई कोई सब्जी या फल, तो तब ये बहुत कम ठंडा रह जाता है, ना के बराबर, यानी वो तो फिर सबके लिए अच्छा हो गया। अब जब ये कच्चा है तब ये ठंडा भी है और भारी भी है। ऐसे ही जैसे जैसे ये पकता जाता है, पक करके पूरा तैयार होता है, ये जितना पकता जाएगा उतना भारी से हल्का होता जाएगा, यानी जब ये पूरा तैयार हो जाएगा पक के तो ये कम भारी होगा सबसे। ऐसे ही जब ये कच्चा है कफकारी होगा, क्योंकि ठंडा है ना, ज़्यादा ठंडा है तो कफकारी होगा। कफकारी का मतलब ये है कफ धातु को बढ़ाएगा, कफ धातु को बढ़ाएगा, और अगर आप एक्सेस में खाते हैं तो कफ दोष को बढ़ाएगा, फर्क सिर्फ इतना ही है। ऐसे ये पित्तनाशक है, गर्मी दूर करेगा। और जब जैसे जैसे ये नॉर्मल पे आ जाता है, पक जाता है पूरा, तो फिर ये वात पित्त कफ तीनों के लिए अच्छा हो जाता है। इसका मतलब जो किडनी वाले रोगी हैं वो इसके पके हुए पेठे की सब्जी खाएं, बहुत अच्छा है उनके लिए। और इसका जो गुण है, गुण क्या है कि ये पुष्टि कारक है, पुष्टि देता है, ताकत देता है, बल कारक है, वीर्य बढ़ाता है। इसलिए जिनको धातु की कमजोरी उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको शारीरिक कमजोरी उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको जस्ट कुछ खा के भूख लग जाती है उनके लिए मिठा पेठा जो बनाया होता है बहुत ही अच्छा है। आप बोलोगे उसमें तो चीनी डली होती है, दरअसल उसको पेठे को बनाने से पहले 2-4 दिन चूने वाले पानी में भिगोते हैं। चूने वाले पानी में भिगो के रखने से एक तो उसमें वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है नेचुरली, जो पेठे की आप मिठाई खाते हैं, एक वो जो उसके बाद जब मीठा चढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो उसका इतना गलत इफेक्ट नहीं आता बॉडी पे, अगर लिमिट में खाया जाए तो अच्छा है। जिनको वेट बढ़ रहा है वो ना खाएं वो, क्योंकि उसमें फिर मीठा ज़्यादा है, और जिनको डायबिटीज़ वगैरह है वो ना खाएं, बाकी सब खा सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कभी कि पेठे को हम बिना मीठे के हम स्टीविया के अंदर बना के देखें, या हम कोई शक्कर के अंदर बना के देखें, नेचुरल मीठे के अंदर बना के देखें कैसा बनता है, कभी ट्राई करूँगा मैं फ्री टाइम। तो ये चीज़ थी पेठे के बारे में। बाकी इसकी सब्जी जो है, जो पककर तैयार हो जाती है पेठा, उसकी जो ज़्यादा जल्दी पचेगी, जो कच्चे पेठे की सब्जी बनेगी वो थोड़ा देर से पचेगी क्योंकि भारी है, अपनी बॉडी के हिसाब से आप खा सकते हैं। कच्चे पेठे का रस सिर दर्द में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये वीर्य बढ़ाएगा, धातु बढ़ाएगा, पुष्टि बढ़ाएगा, तो दिमाग की कमजोरी भी दूर करता है, माइग्रेन वगैरह में अच्छा है। लेकिन जिनको साइनस है, नज़ला है, कफ है, वो कच्चे पेठे का प्रयोग ना करें, फिर बेशक चाहे सिर दर्द हो तो कोई और चीज़ से ठीक करें, फिर उसका प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीज़ें थोड़े थोड़े ध्यान रखनी होती है, क्योंकि माइग्रेन अगर किसी को मान लो छींके, नज़ला, कफ, जुकाम आदि है, तो उसको सिर दर्द हो रही तो हो सकता है उसको कफ से हो रही हो, उसको पित्त से नहीं हो रही होगी, तो इसीलिए मना करते हैं हम। ये पेठे के बारे में मैंने आपको बताया, पेठे के गुण के बारे में बताया, पुष्टिकारक है, भारी है, ताकतवर है, और तो और शरीर को जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण जैसे आप कई लोग कहते हैं बीमारी में अब क्या खाएं, गठिया है जी, जोड़ों का दर्द है जी, सब कुछ मना कर दिया डॉक्टर ने, तो आप पेठे की सब्जी, हलवा कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि हलवा कद्दू और पेठा पका हुआ तैयार जो दोनों है ये एक जैसे ही है, एक छोटा पेठा आता है एक बड़ा पेठा आता है, तो बड़े वाले के बाद में चल रहे हैं, लेकिन छोटे वाले के भी गुण सेम ही है।
तो मैं बात कर रहा था कि ये दिमाग की नसों की कमजोरी दूर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिनको भी माइग्रेन, मिर्गी, दौरे आना, बच्चों को भी, बड़ों को भी, अपसमार, जिसको हिस्टीरिया भी बोलते हो आप, इस तरह की कितनी चीज़ें हैं। अच्छा, डिप्रेशन है, ओसीडी है, इनके लिए पेठा बहुत अच्छा है। खाने के बाद कभी कभी मीठा खाने का मन करे तो ये खा सकते हैं, सब्जी के तौर पे बनाना चाहें बना सकते हैं, और तो और जूस पीना चाहें खाली पेट तो ले सकते हैं। आंवला, एलोवेरा जो आप जूस पीते हैं, या आप मौसम्मी का जूस पीते हैं, उसमें भी डाल के इसका स्वाद चख सकते हैं। इसका क्या गुण है, कैसे पचता है, ये सब देख सकते हैं। इसमें फाइबर काफ़ी होती है रिच, इसलिए ये पेट बहुत अच्छा साफ करता है। तो जिनको शिकायत रहती है कि उनके बच्चे का पेट साफ नहीं होता, उनको खिलाया करें। और बाकी इसके जो भी गुण, फायदे या कुछ चीज़ें आप डिटेल में जानना चाहें तो मैं जल्दी ही अपने वेबसाइट nityanandamshree.com पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पोस्ट करूँगा। आप अभी भी जा कर के nityanandamshree.com पे जाके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में। कुछ बातें वीडियोस में रह जाती हैं तो उनको वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।